हेलो फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं फ्लेम फोटोमेट्री के बारे में। फ्लेम फोटोमेट्री एक बहुत ही यूज़फुल टेक्निक है। इसके थ्रू आप जितने भी एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, यानी एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल, इन एलिमेंट्स की आप इंफॉर्मेशन क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली दोनों तरीके से आप पता कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री। तो फ्लेम फोटोमेट्री में और क्या है, क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में बात करते हैं। और हम एस ब्लॉक एलिमेंट को ही क्यों डिटेक्ट कर पा रहे हैं इसमें, और कोई दूसरे एलिमेंट्स को क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न बताएंगे। जैसा कि इसका नाम है फ्लेम फोटोमेट्री, इट मींस कि यहाँ फ्लेम इन्वॉल्व्ड है। फ्लेम यानी हम एक बर्नर के थ्रू फ्लेम से किसी पर्टिकुलर मेटल के सॉल्यूशन को, लाइक अगर हमारे पास सोडियम है, आप जानते हैं सोडियम जो है हमारा वो एस ब्लॉक एलिमेंट है, तो सोडियम का एक सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया, कुछ भी ले सकते हैं हम इसके लिए, सोडियम सल्फेट या कोई भी सॉल्ट ले सकते हैं सोडियम का, और उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर किया हमने। और सॉल्यूशन को जैसे ही आप बर्नर के पास लाएंगे और उसको फ्लेम के थ्रू बर्न करेंगे, आप देखेंगे कि ये येलो फ्लेम देता है, यानी वो फ्लेम येलो दिखाई देगी। उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो सोडियम है, इसका आउटर मोस्ट शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन है, वो थोड़ी सी एनर्जी लेके ही ग्राउंड टू एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। और जैसे ही वो ग्राउंड टू एक्साइटेड में जाता है, वो एनर्जी एमिट करता है, वो लाइट एमिट करता है। इसी वजह से ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसका नाम फ्लेम एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है। इसका दूसरा नाम फ्लेम एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल है कि जब मैटर लाइट एब्जॉर्ब करता है सेम वेवलेंथ पर, तो वो उसी वेवलेंथ पर उसको एमिट भी करता है। और जब कोई मेटल जिसका एक इसके सॉल्ट का हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, तो जब भी किसी मेटल के सॉल्ट के सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया जाता है और उस सॉल्यूशन को बर्न किया जाता है फ्लेम में, तब वो मेटल कुछ कलर प्रोवाइड कराता है, यानी वो जो फ्लेम है वो कुछ कलर की दिखाई देती है। जैसे अभी बताया हमने कि सोडियम येलो कलर दिखाई देता है, वैसे ही कुछ कलर की दिखाई देती है। इसी तरह से हर एक मेटल अपने वेवलेंथ के हिसाब से कलर देता है। जैसे हमने आपको बताया कि सोडियम येलो कलर देता है, कैल्शियम कुछ और कलर देगा, लिथियम कुछ और कलर देगा, बेरियम कुछ और कलर देगा, पोटेशियम कुछ और कलर देगा, जैसे पोटेशियम आपको वायलेट कलर दिखाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखाई देते हैं। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री। व्हाट इज द प्रिंसिपल, इज मैटर एब्जॉर्ब्स लाइट एट द सेम वेवलेंथ एट विच इट एमिट्स लाइट। व्हेन अ मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन इज बर्न, द मेटल प्रोवाइड्स अ कलर्ड फ्लेम एंड ईच मेटल आयन गिव्स अ डिफरेंट कलर्ड फ्लेम। दैट्स इट, थैंक यू।